इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivena Herbals, an aesthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक है क्या हिना के तुरंत बाद हेयर कलर चढ़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रतिदिन कि क्लाइंट्स आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि हम हिना इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम हेयर कलर लगाते हैं और हेयर कलर चढ़ता नहीं है। हिना लगाने के बाद हमारे हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं कि हिना कोट हो जाती है बालों पर, नाक की तरह लिपट जाती है और फिर उसे कट करना पड़ता है और बालों को ब्लीचिंग करने के बाद फिर हेयर कलर चढ़ेगा, ऐसा वो बताते हैं और या फिर वो कहते हैं कि 15 दिन बाद ही हेयर कलर चढ़ेगा। तो ये एक मिथ है और ये मिथ आप ही के सामने अभी हम क्लियर करेंगे। डेमोज हैं हमारे पास और हमारे हजारों क्लाइंट्स हैं जो हेयर कलर के बाद भी हिना करते हैं और हिना के तुरंत बाद हेयर कलर चढ़ जाता है। तो किस प्रकार से हिना लगाई जाए कि आपका कलर चढ़े और ये जो हेयर स्टाइलिस्ट की जो आपसे जो बात है ये गलत कैसे साबित हो, और ये गलत क्यों है? आपके हेयर स्टाइलिस्ट शायद आपको हेयर केयर नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हेयर कलर पर आधारित रहेंगी तो उन्हें बहुत अच्छे से एक क्लाइंट उनका बनाने में हेल्प मिलेगी, ऐसे कई क्लाइंट्स वो बनाए रखेंगे, तो वो क्लाइंट के हितैषी नहीं है, वो क्लाइंट्स के हेयर केयर से कंसर्न नहीं है, तभी उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं। उसी जगह दूसरा हेयर स्टाइलिस्ट होगा वो बोलेगा कि हिना और हेयर कलर दोनों ही एक साथ जा सकते हैं, और जब आप हेयर कलर करते हैं तो हेयर केयर करना हिना के साथ आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हेयर हेल्थ तो आपकी हेयर कलर बार बार करने से डैमेज हो रही है। हिना को हमेशा से मैं अमृत क्यों कहती आई हूँ। हिना की हाई एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ पनपने नहीं देती है, डैंड्रफ को जड़ से खत्म करती है, स्कैल्प बिल्डअप होने नहीं देती है, स्ट्रेस रिलीज करती है, स्ट्रेस से मैक्सिमम हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके लिए हिना बहुत अच्छे से काम करती है। आप इससे डरे ना, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। इसीलिए पास्ट में 20 से ऊपर वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, पिछले 5 साल से लेकर अभी तक आप हिना पर पूरी रिसर्च जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर कर सकते हैं। हिना कोट होती है अगर बालों में तो उसे लगाने का तरीका होता है, हिना के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हिना के साइड इफेक्ट्स हैं कि उसकी तासीर ठंडी है, ठंडी तासीर होने की वजह से वो ड्राइनेस देती है, बालों को ड्राई कर सकती है, स्कैल्प को ड्राई कर सकती है, तो इससे हमें कैसे बचना है और उसके फायदे कैसे हमें मैक्सिमम बढ़ा देने हैं, इस चीज से बचने के साथ साथ फायदे भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हिना बालों में अगर चिपक जाती है, क्यूटिकल को बुरी तरह से सील इन कर देती है जो आप कहते हैं, तो वो लो पोरोसिटी हेयर देते हैं और एंड्स में हाई पोरोसिटी हेयर देती है, तो वो इस ढंग से लो पोरोसिटी हेयर, हाई पोरोसिटी हेयर, ड्राई फ्रिजीनेस दे ही ना। उसके तरीके हैं लगाने के, उसी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करना है, समय का ध्यान देना है और किस ढंग से लगाते हुए उसका मैक्सिमम कलर ले लें, रेड कलर का जो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा वो ब्राउन में कैसे मिले जो आप पसंद करें, आपके काले बालों के साथ मर्ज हो जाए और उसके साथ साथ वो कोट भी ना हो, जब आपको हेयर कलर करना हो तो आप हेयर कलर कर पाए, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा। अब इसी के बाद आते हैं हम हेयर कलर पर, हेयर कलर के साइड इफेक्ट्स, पीपीडी, पीटीडीएस केमिकल्स और हेयर कलर से चेहरे पर झाइयाँ कैसे होती हैं, ये वीडियोस जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि पीपीडी, पीटीडीएस केमिकल्स किस तरह से आपकी स्किन को भी हार्म करते हैं, आपके हेयर हेल्थ को ख़राब कर देते हैं और साथ साथ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हमारा शरीर बनाता है, उसका 5% डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर हमारे हेयर फॉलिकल्स जो कमजोर हो जाते हैं वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो हेयर कलर करने से ज्यादा डीएचटी वहां पर डिपॉजिट होता है और परमानेंट हेयर लॉस आपको देता है, खासकर मेल में मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल्स में फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी ये दे सकता है। इसीलिए अगर हेयर कलर करना आज आपका कंपल्शन है, आपने पास्ट में कम सफेद बालों में ही हेयर कलर किया है और आज अब करते करते मैक्सिमम बाल हेयर कलर से सफ़ेद हो चुके हैं, तो आपके पास कंपल्शन है, तो अब हेयर कलर करते हुए हेयर केयर करने का भी कंपल्शन आपके पास है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि गंजापन असमय आ जाए या कभी भी आ जाए और आपके चेहरे पर झाइयाँ आ जाए। ये पुरुषों को भी झाइयाँ हेयर कलर से होती हैं। 30 साल पहले जिवेना हर्बल्स ने एक ट्रेंड सेट किया हिना को लेकर, 5 डेज हिना रेजिमेन, 3 डेज हिना रेजिमेन और इसके अलावा वीकली हेयर केयर रेजिमेन में हिना
को दो बार अप्लाई करना। बहुत ही यूनिक तरीके से ये इनोवेशन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ और लोगों को इसका मैक्सिमम फायदा होने लग गया। आज ये हश्र है कि ब्यूटिशियन से लेकर बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट्स को ये रेजिमेंट बताते हैं और बहुत खुशी और गर्व हमें होता है। और इसी वजह से आपसे हम कह रहे हैं कि आप ये वीडियोज अवश्य देखिएगा और अपने घर में भी आप हेना रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो हेना के फायदे कैसे लें आज ये डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हेयर कलर तुरंत कैसे चढ़ेगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हेना जैसे कि मैंने बताया उसकी तासीर ठंडी है तो वो ड्राइनेस देता है। तो हेना में अगर हम प्रोटीन ऐड करेंगे और मॉइस्चर ऐड करेंगे तो हेना की ठंडी तासीर जो है वो नॉर्मल पर आ जाएगी। प्रोटीन भी कैसे, जो प्लांट सोर्स से लिए गए हों, तिल, मेथी दाना, पोस्ता दाना, त्रिफला, जटामानसी, कोकिला, इनके अलावा दो बहुत ही अच्छे प्रोटीन हैं जो हमारी हेना में है। और उसके साथ साथ कंडीशनिंग मास जो कोकोनट बटर से बना हुआ है, वीट जर्म उसमें है और स्पाइरुलिना एल्गी है। तो मैक्सिमम मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ये बालों को देता है और हेना जो कोट होने वाली होती है ये प्रोटीन और मॉइस्चर की वजह से उसकी कोटिंग की जो एबिलिटी है वो जीरो हो जाती है और वो सिर्फ अपनी अच्छाई छोड़ती है। उसका लॉजोन कॉम्पोनेंट जो कलर गिविंग कॉम्पोनेंट है सिर्फ अपना कलर देता है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बालों को मिलती है। जब प्रोटीन और मॉइस्चर के साथ क्लब हो जाता है तो मैक्सिमम फायदे बालों को मिलते हैं, ना लो पोरोसिटी हेयर होंगे ना हाई पोरोसिटी हेयर होंगे। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान देनी होगी कि है ना लगाने के पहले आपको ऑयलिंग करनी होगी स्कैल्प में। एक घंटे पहले करें, दो घंटे पहले करें, चाहे 8 घंटे पहले करें, तो ऑयलिंग करने के बाद ही हेना लगाएं। शुद्ध हेना होगी तो ऑयल पर ही चढ़ेगी। ये वीडियो भी देख लीजिएगा, कई वीडियोस आपको जो है ना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। जब पूरी रिसर्च आप कर लेंगे तब ये रेजिमेन आप इम्प्लीमेंट करिएगा। तो ऑयल अप्लाई करके तब आप हेना लगाएं और हेना में प्रोटीन पैक और साथ साथ कंडीशनिंग मास्क। तो हेना बेस में होगी। मान लीजिए आपके एवरेज लेंथ हेयर है शोल्डर लेंथ, तो आपको 8 to 9 teaspoons हेना लगेंगी और 2 teaspoons ईच हेयर पैक, आपको हेयर पैक और कंडीशनिंग मास्क उसमें डालना होगा। अब आप टी लिकर तैयार करें या साधारण पानी में आप हेना के ये तीन चीजों को हेना में मिक्स कर लें, तो इसमें दो में से कोई एक आप चुन लीजिए। बस आपने टी लिकर तैयार किया तो उसे ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए और मिक्सचर तैयार कर लीजिए। रात भर उसे ढककर रख दीजिए और मॉर्निंग में आप ऑयल लगे हुए बालों पर ये लगाएं। और लगाने लायक इसे पतला करना बेहद जरूरी है, ये बात बताना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि ये जो मिश्रण है ये सेल्फ रेजिंग मिश्रण है। एक बार आपने घोल लिया तो क्वांटिटी इसकी कुछ हद तक बढ़ जाती है और टाइट हो जाता है। तो लगाने लायक पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी डालिएगा और बस आपने लगा लिया, शावर कैप पहन ली। 1 घंटे से 1.25 घंटे ही आपको रखना अगर आपको कलर चाहिए, और अगर कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए तो 40 to 45 मिनट। सुखाने का क्राइटेरिया नहीं है, बहते नल के नीचे इसे धो लीजिए, अच्छे से निकल जाए और आप शैम्पू कर लीजिए। यही रेजिमेन आप 5 डेज के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, 5th डे आपको शैम्पू करना है। तो इस ढंग से करने के तुरंत बाद भी आप हेयर कलर लगा सकते हैं। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि हेयर कलर के डैमेजिंग इफेक्ट्स नहीं होंगे और उसके साथ साथ हेना की वजह से बालों में सॉफ्टनेस रहेगी, स्कैल्प पर हेयर कलर के बाद इचिंग नहीं होगी, हेयर फॉल नहीं होगा। और फिर आपने जब हेयर कलर किया है तो इसके 3 दिन बाद फिर से इस रेजिमेंट को दोहरा लीजिए। चाहे आप एक ही बार करें, चाहे आप 3 दिन लगातार करें, आपका हेयर कलर नहीं हटेगा, लेकिन जो रूट्स आपकी ग्रो करेंगी तो वो तो वाइट ग्रो करेंगी ही, तो उसका हेना से कोई लेना देना नहीं। आपके जो कलर चढ़े हुए बाल हैं वो जस्ट के तस ही रहेंगे और साथ साथ आपकी हेयर हेल्थ डैमेज हेयर कलर नहीं कर पाएगा। तो दोनों का फायदा आप ले सकते हैं। कहीं सुनी बातों पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, स्वयं रिसर्च करनी चाहिए। मैक्सिमम फायदा हमारी हेल्थ, हमारी हेयर, हमारी स्किन ब्यूटी को हम कैसे दे पाए ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आज से आंखें खोल कर और कानों को खोल कर, दिमाग को तेज धार देकर अपने लिए, अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा सुंदरता और स्वास्थ्य कैसे लें इस पर ध्यान दें और अपनाएं ये सारे रेजिमेंट। हमारी टीम में सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं बबीता जी और हमारे ज्वेलरी शोरूम की हेड हैं राधा जी। इन दोनों को ही हेना लगाना बेहद पसंद है और इनके हेना लगे हुए बाल हमेशा आपको दिखाई देंगे। तो आज दोनों के ही स्कैल्प पर हेना लगेगी और उसके तुरंत बाद वॉश करते ही हम हेयर कलर अप्लाई करेंगे और दोनों पर ही हम गार्नियर हेयर कलर अप्लाई करेंगे, जिससे आपके लिए आसानी रहे कि आपके घर में गार्नियर मौजूद है या इसी ढंग से कोई और हेयर कलर है तो आप उसे तुरंत लगा लें हेना करने के बाद। तो ये आपके लिए सोचना आसान होगा और अवेलेबिलिटी भी इन चीजों की होती है। तो देखते हैं कैसे हेना के तुरंत बाद हेयर कलर चढ़ता है, लेकिन
हिना में वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए जो बताई है। बबीता जी हैं हमारी हेयर स्टाइलिस्ट और ये हिना अप्लाई करती हैं, हेयर कलर अप्लाई नहीं करती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने हिना लगाई है, 7 days हो गए और आज इन्हें हिना हम लगाएंगे। हिना ऑयलिंग करने के बाद अप्लाई करें, ऐसे मेरे कई वीडियोस हैं। और फिर हिना में आपको प्रोटीन मिक्स करना है हेयर हेल्थ पैक के रूप में, जिसमें तिल, मेथी दाना, त्रिफला, जटामांसी, कोकिला, पोस्ता दाना सब कुछ है, और उसके साथ कंडीशनिंग मास्क डालना है, वो मॉइस्चर हो गया। तो जब हम ऑयल अप्लाई करके उसके साथ मॉइस्चर और प्रोटीन हिना में मिलाकर लगाते हैं तो हिना अपनी कोटिंग बालों पर नहीं छोड़ती है, सिर्फ अपना कलर रिलीज करती है, क्योंकि हम 8 hours तक उसे सोक करते हैं और सोक करते समय भी कंडीशनिंग मास्क और हेयर पैक डला होता है। तो ऐसे में जब हम हिना लगाते हैं तो लो पोरोसिटी हेयर नहीं होते हैं, हिना अपनी क्योंकि कोटिंग नहीं छोड़ती है तो क्यूटिकल टाइटली सील इन नहीं होते हैं, वो सील इन होते हैं लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एक कोट नहीं होगा। तो हेयर ड्रेसर्स, हेयर स्टाइलिस्ट हमेशा कहते हैं कि हिना कोटिंग छोड़ती है इसलिए हिना मत लगाइए, हिना से लो पोरोसिटी हेयर हो जाता है। तो कंडीशनर्स, प्रोटीन, ये सब डेफिशिएंट एक एक बाल हो जाता है और फिर आपके बाल बीच से टूटने लग जाते हैं और आपके बाल हमेशा लिम्प और ऑयली रहते हैं। तो ये गलत फहमी आप अपनी दूर कर लीजिए। आपने आज हिना लगाई तो ऑयल अप्लाई करके हिना लगाइए, बिना ऑयल के हिना मत लगाइए, हिना की तासीर ठंडी होती है, आपके बालों को वो ड्राई कर देगी। बिना हेयर हेल्थ पैक और कंडीशनिंग मास्क, मतलब प्रोटीन और मॉइस्चर के बिना हिना सोक मत करिए, क्योंकि प्रोटीन और मॉइस्चर ये दोनों ही कंटेंट ऐसे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बालों को स्वस्थ रखेंगे और हिना एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देगी, यानी कि डैंड्रफ को पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो एलेक्सर है हिना, आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। तेल लगाया, फिर हिना ये दोनों चीज़ों के साथ मिला के लगाई, 1.5 घंटे के बाद वॉश कर लिया। जिन्हें कलर चाहिए, जिन्हें कंडीशनिंग चाहिए, वो 45 मिनट्स में वॉश कर लें। ड्राइंग नहीं करना है हिना को, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। जो 8-8 घंटे लगाने की आपको सलाह दी जाती है, 4-3 घंटे की हिना का कलर कैसे आएगा, तो फिर आपके हाई पोरोसिटी हेयर हो जाते हैं, किसी के लो हो जाते हैं पोरोसिटी हेयर, हिना कोटिंग छोड़ देती है, और किसी के बेहद ड्राई हो जाते हैं तो वो हाई पोरोसिटी हेयर हो जाते हैं जिसमें प्रोटीन और मॉइस्चर बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात हम गलत साबित करेंगे कि हिना किए हुए बालों पर कलर नहीं चढ़ता, चाहे वो कोई भी ब्रांड कलर की हो, अगर इस प्रकार से हिना लगाई गई तो बिल्कुल कलर चढ़ेगा। तो आज हम इन पर फिर से हिना लगाएंगे, हिना वॉश करके फिर हम 1 घंटे के बाद फिर हेयर कलर अप्लाई करेंगे। बबीता जी को ऑयल अप्लाई किया है, स्पासिल कॉइल, और फिर उसके बाद इन्हें हिना अप्लाई की जिसमें कंडीशनिंग मास्क और हेयर पैक ऐड किया, 1.25 घंटे के बाद वॉश करके शैम्पू कर दिया, और अब 1 घंटे के बाद हम हेयर कलर अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि हेयर कलर कैसे चढ़ता है। हिना वॉश करके बालों को ड्राई कर लिया है और गार्नियर नंबर 3 अब बबीता जी के ऊपर लगाने जा रहे हैं, तो अब कैसा कलर आता है देखिए। कलर हिना के तुरंत बाद हेयर कलर इस ढंग से आ चुका है और आपकी ये गलत फहमी दूर हो चुकी है कि हिना कोट हो जाती है हेयर पर, एक कोटिंग छोड़ देती है जिसकी वजह से हेयर कलर नहीं चढ़ सकता और उसके साथ साथ ये हेयर जो है वो लो पोरोसिटी हेयर बना देता है और कई केसेस में हाई पोरोसिटी हेयर बना देता है। यहीं पर आपकी गलतफहमी दूर हो गई। अगर नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल मॉइस्चर हिना में मिक्स करके लगाया जाए, प्योर हिना होनी चाहिए, और ऑयल हेयर पर अप्लाई करके लगाया जाए तो हिना की एंटी फंगल इफेक्ट मिलेगा, मॉइस्चर और प्रोटीन बालों को मिलेगा और कभी भी आपको हेयर कलर उसके तुरंत बाद करने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हेयर कलर के जो डैमेजिंग इफेक्ट्स होंगे वो बालों पर ज़्यादा नहीं आएंगे। और इसके तुरंत बाद अगले दिन आप हिना लगा लीजिए हेयर कलर के बाद, तो हेयर कलर भी अफेक्टेड नहीं होगा और उसके साथ साथ आपके बालों पर जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हेयर कलर के केमिकल्स का आया है वो भी कम होता चला जाएगा। तो आज से ये गलतफहमी अपनी धो दीजिए और ये देखिए बबीता जी के हेयर, पूरा हेयर कलर चढ़ा है हिना के तुरंत बाद। और हमने हिना में क्या मिलाया फिर से वीडियो देखिएगा।
शुरुआत करिए और हमसे भी पूछ सकते हैं। हेना कब लगाई थी? एक सप्ताह पहले लगाई थी। ठीक है, नियम से हेना लगाती हूँ। तो हेना में कंडीशनिंग मास्क और हेयर पैक मिक्स करती हूँ, ऑयल अप्लाई करके फिर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो आज फिर से हेना लगेगी और उसके तुरंत बाद फिर वॉश करते ही हेयर कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज पहली बार हेयर कलर लगाने जा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद अपने बालों का ध्यान और दे देना। जी मैम। राधा जी को हेना लग चुकी है और एक घंटे बाद शैम्पू होगा। गार्नियर नंबर 3 राधा जी को अप्लाई कर रहे हैं। हेना वॉश हो चुकी है, हेना का कलर बहुत अच्छा आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हेयर कलर लगना शुरू हो रहा है। हेना वॉश करते ही गार्नियर नंबर 3 इन्हें लगाया। इनकी चाहत थी कि गार्नियर का बर्गंडी लगाएं, लेकिन हमने इनसे कहा कि एक बार ब्लैक ज़रूर लगाना है, तो आज नंबर 3 लगा है। और लगाते ही 25 मिनट में इन्होंने वॉश करा दिया। इन्हें बड़ा डर लग रहा था कि मैं हेयर कलर कभी नहीं करती, और वही 25 मिनट्स में हेयर कलर इतना अच्छा चढ़ चुका है। फर्स्ट टाइम हेयर कलर किया है और हेयर केयर करती आई हैं, ऑयलिंग और हेना अप्लाई करना, कंडीशनिंग मास्क, हेयर पैक उसमें डालकर, फिर भी एक एप्लीकेशन में ही इन्हें ईचिंग स्टार्ट हो गई इनके स्कैल्प पर। तो हेयर टॉनिक मैंने रिकमेंड किया है, और जिन्हें भी हेयर कलर अप्लाई करना कंपल्शन है उन्हें हेयर टॉनिक डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प जो डिहाइड्रेटेड हो जाता है उससे हेयर टॉनिक से वो पूरी तरह से सुधर जाता है। तो देख लिया आपने रिजल्ट, आप भी हेना के तुरंत बाद हेयर कलर कर सकते हैं। और हेयर कलर कर रहे हैं तो नेसेसरी है आपके लिए हेयर केयर करना।